अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेजर इब्राहिम, एडवोकेट हाई कोर्ट में आया हूं आज अपने दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। एक बहुत जो है मेरे करीबी दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि एक नई साइटेशन आई है 2020 SCMR पेज नंबर 100, उसमें जो है फैमिली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि किसी भी बच्चे का 7500 से कम जो है वो खर्चा नहीं लगेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूंगा और साथ में ये भी एलैबोरेट करूंगा कि कोर्ट किस तरह जो है वो तलाक या डिवोर्स के बाद या खुला के बाद किस तरीके से बच्चों का खर्चा लगाती है, बच्चों का और साथ उसकी माँ का जो बेवा होती है या जो है वो डिवोर्स हो चुकी होती हैं, तो उनका बेवा का तो चूंकि तरीकाकार एक अलग या सेपरेट आ जाता है प्रॉपर्टी का, और उस हिसाब से तो जो तलाक याफ्ता है उनका किस तरह और कितना उनका राइट बनता है लेने का, मेंटेनेंस लेने का। तो इससे पहले मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल के लॉ एंड टैक्स गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज एंड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंच सकें। दोस्तों, रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट एक जो है वो इशू की है SCMR 2020 पेज 100, उसके अंदर ये बताया है कि जब आप कोई भी माइनर है, अगर बाप है और वो साहिब इस्तात है, 50,000 से ऊपर सैलरी है, 50-60,000 से ऊपर सैलरी है, तो वो अगर उसके तीन बच्चे हैं तो वो साथ साथ हर बच्चे को 7500 रुपया उसकी मेंटेनेंस का अदा करने का पाबंद है पर मंथ। इसके साथ साथ अगर तीन बच्चे हैं तो 7500 7500 तीनों की अलग अलग उस तरह उन्होंने अवेल्युएशन होगी वो दिया जाएगा। साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अलावा अगर बाप जो है वो मुलाकात के लिए हर माह चाहता है कि वो ये बाकायदा इस स्टेटमेंट के अंदर तीन चार चीजों को कवर किया गया है, अगर बाप बच्चों से मुलाकात के लिए बच्चों को बुलाना चाहता है कोर्ट में, तो वो इन खर्चों के अलावा अपने जो है बच्चों का खर्चा और उसके अलावा बच्चों की माँ को 2000 रुपीज एज ए रेंट जो है वो उसको लाने जाने का जो खर्चा है वो पे करेगा। ये बहुत ही जो है एक वास्ट साइटेशन है, उसके अंदर जो है वो फैमिली कोर्ट ने तमाम तर एस्पेक्ट को कवर कर दिया है। आजकल के एक्सपेंडिचर्स के मुताबिक स्कूल की फीस, मेडिकल फीस और तमाम तर एक्सपेंडिचर्स के मुताबिक उसको देखते हुए कोर्ट ने डिसाइड किया कि 7500 तक इस साइटेशन को जो है ना वो 7500 तक मेंटेनेंस मिले तो ये जो है वो मैनेजेबल एडमिटेबल है। दोस्तों, एक और चीज है जो सबसे बड़ी अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका जो मेंटेनेंस कम अदा कर रहे हैं या कुछ लोगों को मेंटेनेंस कम मिल रहा है, 3000, 4000, 4500, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस साइटेशंस को मद्देनजर रखते हुए वो सेम कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है और हमारी जो है वो एनहांसमेंट की जाए इस जजमेंट के मुताबिक। तो जो सिविल कोर्ट्स हैं या नीचे की कोर्ट्स हैं, हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं लाहौर, फैसलाबाद, कराची या इधर उधर की हाई कोर्ट से जो नीचे की कोर्ट्स हैं, वो डेफिनेटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस को मानने के पाबंद है, वो साइटेशंस को देखते हुए लाजमी एनहांसमेंट की तरफ जाएंगी। तो ये था जो हमारा तरीकाकार हमारा जो था साइटेशंस की एलैबोरेशन। उसके अलावा जो है कोर्ट किस तरह ऑर्डर पास करती है मेंटेनेंस का। दोस्तों, जब एक मियां बीवी के दरमियान तलाक का मामला होता है, तलाक के मामले के बाद जो बाप है, बच्चों का बाप है, वो बच्चों की माँ को इद्दत का 4 माह का जो खर्चा है वो देने का पाबंद है, वो कोर्ट बकायदा अपनी ऑर्डर शीट में वो मेंशन करती है, लिखती है कि इद्दत तक का खर्चा जो है वो बाप पे करेगा। उसके बाद अगर तो औरत हामला है या उसका जो है वो कोई डिलीवरी का मामला है, डिलीवरी का मतलब एक्सपेंस होने वाले हैं, तो कोर्ट वो अलग से डिग्री करती है, कोर्ट लेके देती है इंटरिम खर्चा जो है वो बेगम को। इसके अलावा जो बच्चों का खर्चा है, जब एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो जाती है तो प्रॉपर हर बच्चे के हिसाब से पहले इंटरिम खर्चा लगता है,
इंटरम के बाद बाप अगर अगर देखती है कोर्ट के इनके दरमियान रिकॉन्सिलेशन हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती तो फिर इंटरम के बजाय फिर परमानेंट उसको कर दिया जाता है। परमानेंट कस्टडी, परमानेंट खर्चा जो है वो थ्रू फिर सिविल नाजर केस साल दो साल खत्म हो जाता है, फिर वो प्रॉपर सिविल नाजर के थ्रू जो है खर्चा लेना देना और बच्चों की मुलाकात का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 2020 की जो जजमेंट आई है 2020 SAMR वाली, वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अगर फॉर एग्जांपल बाप खर्चा भी पे कर रहा है और वो मुलाकात के लिए भी ला रहा है तो 2000 रुपए वो बाप जो है बच्चों का खर्चा अलग पे करेगा और 7500 रुपया अपने तमाम मेंटेनेंस वगैरह को इन डाल के। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, आप सब दोस्तों का अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई से नई वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।